कि सूरज पर फिर तेज तूफान के उठने से धरती पर अंधेरा छा सकता है। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने दावा किया कि 4 दिन पहले सूरज से शक्तिशाली ऊर्जा निकली थी, जिसकी तस्वीरें भी नासा की तरफ से शेयर की गई, जिनमें 2 अक्टूबर को सूरज के कई हिस्सों में चमक देखी गई। नासा के मुताबिक उस दिन सूरज से अंतरिक्ष में काफी ज्यादा ऊर्जा निकली थी। माना जा रहा है कि सूरज से निकली ऊर्जा अगर अंतरिक्ष में बड़ी मात्रा में फैल जाती है और सूरज पर उठा तूफान धरती से टकराता है तो पूरी दुनिया अंधेरे में डूब सकती है और कुछ देर के लिए इसका असर सिग्नल ट्रांसमिशन पर भी पड़ सकता है। सूरज की ओर से अंतरिक्ष में छोड़े गए रेडिएशन को सोलर फ्लेयर कहते हैं, जो कि सूरज की सतह से निकलने वाली मैग्नेटिक एनर्जी के कारण निकलते हैं। और सूरज पर होने वाली ऐसी खगोल घटनाओं का असर धरती पर भी पड़ता है। हालांकि वैज्ञानिकों के मुताबिक इससे इंसानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, लेकिन तकनीक पर सूरज से निकलने वाली मैग्नेटिक एनर्जी का असर पड़ सकता है। सूरज से निकला रेडिएशन अंतरिक्ष यानों, अंतरिक्ष यात्रियों, पावर, ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ग्रिड और GPS पर असर डाल सकता है। नासा के मुताबिक इस बार सूरज के कई हिस्सों में चमक को कई घंटों तक देखा गया था। हालांकि सूरज पर तूफान उठने की ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी अप्रैल में नासा की तरफ से इस तरह की घटना के बारे में बताया गया था। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस दौरान बड़ी मात्रा में सूरज से ऊर्जा बाहर निकलती है, जो अंतरिक्ष में फैल जाती है, जिससे धरती पर भी संकट गहराने की आशंका बढ़ जाती है।